आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूज चे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगडी. स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई. सीमा मुद्दे पर अब दो मुख्यमंत्रियों की बैठक 14 को. बेलगाम में पहले भूमिगत कूड़ेदान का उद्घाटन. बैलुंगा नगर पंचायत अधिकारी जब्ती हेतु. अंत में बस सेवा शुरू हुई लेकिन यात्री सहमे रहे. छठा रोटरी महोत्सव कार्यक्रम संपन्न. बेलगाम के पूर्व नगर सेवक समेत 5 लोग. न्यू इंडियन क्राफ्ट एक्सपो केवल 12 तक. कोणताही फोटो घेण्याआधी पुढे येणाऱ्या अपेक्षित क्षणाची कल्पना मला आधीपासून असते. नमस्कार, मी अमित शिंदोरे. या क्षणांना सुरेख पद्धतीने कॅप्चर करण्यासाठी माझ्याकडे नेहमी एक योजना असते. निकॉनच्या नवीन Z62 सोबत माझ्या कल्पनेपासून ते छायाचित्रपर्यंत चा प्रवास हा अतिशय सहज असतो. कधी काही भावुक क्षण पडद्याच्या मागे लपलेले असतात आणि कधी काही क्षण अचानकपणे समोर येतात. Z62 च्या 14 FPS मुळे मला हे क्षण अचूक पद्धतीने कॅप्चर करता येतात. कोणतीही गोष्ट सांगताना तुम्ही तुमच्या प्रेक्षकांना त्या प्रवासात घेऊन जाता. नमस्कार, मी रंजन झिंगाडे आणि मी प्रिफर करतो नवीन निकॉन Z62. त्याचा आय डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर ती कथा परिपूर्ण करतो. असे मौल्यवान क्षण फार काळ थांबत नाहीत. आता त्याच्या USB पॉवर सप्लायमुळे प्रत्येक क्षण आपण जिवंत बघू शकतो. प्रत्येक लग्न ही एक रंगीत चित्रकथा आहे. आता नवीन Z62 च्या कमाल डायनामिक रेंजमुळे प्रत्येक फ्रेम ही एक रंगांचा अविस्मरणीय अनुभव देते. द ऑल न्यू Z62 इज ट्रूली अ मल्टीमीडिया पॉवर हाऊस. अब समाचार विस्तार से. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए ज्यूरी सिस्टम कानूनी है और इसके खिलाफ टिप्पणी करना उचित नहीं है. साथ ही कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि केंद्रीय मंत्रियों को इस सिस्टम की आलोचना बंद करनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील की गई कानूनी प्रक्रिया सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी है. जस्टिस के मुताबिक ज्यूरी सिस्टम का पालन करना भी जरूरी है. कॉल की अध्यक्षता में जस्टिस अभय ओक और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने सुनवाई की. साथ ही मंत्री ने अनुचित शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपालिका प्रणाली की आलोचना करने पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिया कि इस संबंध में सरकार को सलाह दी जाए. पीठ ने यह भी कहा कि महाधिवक्ता से उम्मीद की जाती है कि वह सरकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांतों का पालन करने की सलाह देगा. सीमा मुद्दे पर अब दो मुख्यमंत्रियों की बैठक 14 को. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सांगली और सोलापुर के गांवों पर दावा किया जिसे हड़कंप मच गया. उनके इस दावे के बाद महाराष्ट्र में सियासी माहौल गर्म हो गया है. साथ ही कुछ दिन पहले बेलगाम में महाराष्ट्र के एक ट्रक पर हमला किया गया था. अब इस मामले में महाविकास आघाड़ी के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. साथ ही अमित शाह 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री बोम्मई के साथ सीमा मुद्दों पर चर्चा करेंगे. NCP सांसद अमोल कोल्हे ने बताया. अमित शाह से मुलाकात के बाद अमोल कोल्हे ने मीडिया से बातचीत की. कर्नाटक सरकार आलस्य और हट की नीति पर चल रही है. जहां इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित है वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री लगातार बयानबाजी कर रहे हैं. महाराष्ट्र में ट्रेनों पर हमले हो रहे हैं और मंत्रियों को कर्नाटक आने से रोका जा रहा है. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया है इसलिए इसे देश में कहीं भी आने जाने की इजाज़त है. अमोल कोल्हे ने कर्नाटक सरकार की आलोचना की. बेलगाम में पहले भूमिगत कूड़ेदान का उद्घाटन. बेलगाम में पहले भूमिगत कूड़ेदान का उद्घाटन अभय पाटिल ने किया. बेलगाम शहर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किए जाने के बाद से केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त फंड से कई विकास कार्य किए जा रहे हैं. इसी तरह बेलगाम साउथ जिसे विकास का केंद्र माना जाता है अभय पाटिल की अवधारणा से कई नई योजनाएँ लागू की जा रही है. उसी के एक भाग के रूप में शहर का पहला भूमिगत कूड़ेदान बसवेश्वर सर्कल गोवाविस में स्थापित किया जाएगा. इसका उद्घाटन अभय पाटिल ने किया. यहाँ फुटपाथ के किनारे ढक्कन वाला चौकर आकार का डस्टबिन लगाया गया है. इसमें कचरे से भरे ट्रैंक को क्रेन की मदद से खींचकर कचरा ट्रक में डालने की सुविधा है.
बैलोंगल नगर पंचायत अधिकारी जब्ती हेतु। भूमिगत सीवरेज के लिए बैलोंगल नगर पंचायत द्वारा किसानों की 33 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। सरकार द्वारा 9 करोड़ रुपए मुआवजे के भुगतान में देरी के कारण किसानों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेशानुसार नगर निगम के मुख्य अधिकारी के वाहन सहित एक ट्रैक्टर, 2 कुर्सी, 12 कंप्यूटर, 5 प्रिंटर आदि सामग्री को जब्त कर न्यायालय को सौंप दिया गया है। सीवरेज योजना को अंडरग्राउंड करने के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया। इसके लिए किसानों ने अधिक मुआवजे के लिए यह सिविल कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अंत में बस सेवा शुरू हुई लेकिन यात्री सहमे रहे। पिछले 4 दिनों से बंद अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू हो गई है। हालांकि यात्रियों में अभी भी दहशत का माहौल है, इसलिए परिवहन मंडल के लिए कम यात्रियों वाली बस लेने का समय आ गया है। यात्री उम्मीद जता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में बस सेवा सुचारू रूप से शुरू हो जाए। मंगलवार से महाराष्ट्र में चलने वाली बसों के बंद होने से चंदगढ़ क्षेत्र के यात्रियों को परेशानी हुई, लिहाजा यात्रियों को वड़ाप वाहनों पर निर्भर रहना पड़ा। चंदगढ़ क्षेत्र के व्यापारी और नागरिक बेलगाम बाजार पर निर्भर है। हालांकि चंदगढ़ महाराष्ट्र में है, बेलगाम बाजार लेन देन के मामले में सुविधाजनक है। फिलहाल बस सेवा शुरू होने से उन्हें राहत मिली है। छठा रोटरी महोत्सव कार्यक्रम संपन्न। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम की ओर से 6 से 15 जनवरी तक रोटरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस वर्ष का महोत्सव सावगांव रोड स्थित भव्य खुले मैदान में होगा। शुक्रवार को गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस महोत्सव के भव्य मंडप का उद्घाटन किया गया। रोटरी क्लब के माध्यम से इस पहल को क्रियान्वित हुए आज 25 वर्ष हो गए है। इस पहल ने बेलगाम के लोगों को हमेशा तरह तरह के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए हैं। क्लब के अध्यक्ष बसवराज विभूति ने बताया कि स्थानीय के साथ साथ गाँव के बाहर भी कई प्रकार के भोजन और रोचक कार्यक्रमों का स्वाद चखने का अवसर मिलेगा। बेलगाम के पूर्व नगर सेवक समेत 5 लोग। बेलगाम से अवैध धंधे में लिप्त एक पूर्व पार्षद समेत 5 लोगों को निकाला गया है। यह आदेश कानून व्यवस्था विभाग के पुलिस उपायुक्त और विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी रविंद्र गडाड़ी ने जारी किया है। बाजार थाना जॉनी जयपाल लोंढे के अधिकार क्षेत्र से मोहम्मद शफी मोदीन साहब तहसीलदार और इजर अहमद मोहम्मद इसाक निसरीकर, शाहपुर पुलिस स्टेशन से मालमारुति पुलिस पूर्व नगर सेवक भैरगौड़ा ज्योतिबा पाटिल और नितिन पांडुरंग पेडनेकर उर्फ पेरणकर उम्र 50 निवासी खड़े बाजार शाहपुर को निकाला गया है। न्यू इंडियन क्राफ्ट एक्सपो केवल 12 तक। गोवावेस के मंगल ग्राउंड में 7 नवंबर से शुरू हुए न्यू इंडियन क्राफ्ट एक्सपो को हालांकि ग्राहकों से अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन समझौते के तहत अब प्रदर्शनी सोमवार को है। इसलिए आयोजकों ने ग्राहकों से इसका लाभ उठाने की अपील की है। इस प्रदर्शनी में देश भर के 100 से अधिक स्टॉल धारकों ने भाग लिया है। इस हस्तकला पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कश्मीर, शिमला, पंजाब, आसाम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के कारागिरों द्वारा बनाई गई वस्तुएं बहुत ही उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, टूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 08312435777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत, बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाम शहर और जिले में अभिनय प्रशिक्षण के साथ कई बड़े कलाकार बन गए हैं। अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाने के बेहतरीन अवसर है, ऐसा दक्षिण बेलगाम निर्वाचन क्षेत्र अभय पाटिल ने व्यक्त किया। रामनाथ सांस्कृतिक भवन भाग्यनगर में यहाँ तरंग अकादमी द्वारा
तरंग महोत्सव का आयोजन किया गया। वो इस बार उद्घाटन कर बोल रहे थे। पार्षद और बिल्डर अभिजीत मौजूद थे। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रकाश रायकर, प्रोफेसर इनामदार जीजी चिटनीस, विशाल मोड़क, समीरा मोड़क, शशांक नजरे, कृष्णा नार्वेकर, सावन लाड, स्वानंद राउत, प्रवीण रेवनकर मौजूद थे। तिलकवाड़ी क्षेत्र के विद्यालयों द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता दौर। बेलगाम में विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने तिलकवाड़ी क्षेत्र में तंबाकू और व्यसनों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता रैली निकाली। रैली का आयोजन इंटरैक्ट क्लब और तिलकवाड़ी थाने के क्राइम कंट्रोल मास्क के अवसर पर किया गया। तिलकवाड़ी क्षेत्र में चिटनीस इंग्लिश मीडियम स्कूल, थलकवाड़ी हाई स्कूल और बालिका आदर्श विद्यालय के छात्रों ने तंबाकू की लत के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। रैली का आयोजन इंटरैक्ट क्लब और तिलकवाड़ी पुलिस के नेतृत्व में किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार को कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन। विद्या प्रसारक मंडल भातकंडेज कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन करके अपनी स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, जो गजाननराव भातकंडे स्कूल की प्रगति में अगला कदम है। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विशेष समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर ज्ञान की देवी गणपति और सरस्वती की प्रतिमाओं की पूजा कर उद्घाटन समारोह मनाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। संस्था के अध्यक्ष मिलिंद भातकंडे ने उक्त कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। मराठी साहित्य मिलन समारोह रविवार को बेलगुंदी में होगा। बेलगुंदी में रवलनाथ पंचक्रोशी साहित्य अकादमी की ओर से रविवार को 17वां मराठी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्ष डॉक्टर सातारा ने की। सम्मेलन 4 सत्रों में होगा। गांव में बैठक की तैयारी चल रही है। प्रथम सत्र में पुस्तक वाचन एवं उद्घाटन कार्यक्रम होगा। ग्रंथ दिंडी सुबह 8 बजे से शुरू होगी। बैठक का उद्घाटन जिला पंचायत पूर्व सदस्य मोहन मोरे मौजूद रहेंगे। जांबोटी क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मिर्च की खेती की शुरुआत। क्योंकि धान की गहाई और अन्य कटाई गतिविधियां बंद हो गई है, इसलिए जांबोटी क्षेत्र के किसानों ने अब ग्रीष्मकालीन मिर्च की खेती शुरू कर दी है। किसान अब कई गांवों के खेतों में मिर्च की खेती करते नजर आ रहे हैं। खानापुर तालुका के पश्चिमी भाग में जांबोटी, ओलमानी, वड़गांव, दारोली, नीलावड़े, मुगवाड़े, अम्बोली, आमटे, कलामनी, हबनट्टी, तोराली, गोलियाली और नेरसा शिरोली क्षेत्रों के किसान धान की फसल के बाद बड़ी मात्रा में ग्रीष्मकालीन मिर्च लगाते हैं। उजगांव क्षेत्र में गन्ना कटाई का सीजन जोरों पर है। उजगांव क्षेत्र में इस समय गन्ना कटाई का सीजन जोरों पर है। मार्कंडे नदी के किनारे गन्ना प्रचुर मात्रा में होता है। वर्तमान में शिवार से गीला होने के कारण गन्ना काटने को प्राथमिकता दी गई है। फिलहाल हलकरनी स्थित दौलत शुगर फैक्ट्री और राजगोली स्थित ओलम शुगर फैक्ट्री से गन्ना गिरोह इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। गदक में महाराष्ट्र के वाहनों को निशाना बनाया गया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की बार बार शांति बनाए रखने की अपील के बावजूद संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरुवार को कुछ कन्नड़ संगठनों ने गदक में विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पुतला फूंका गया और महाराष्ट्र से गुजरने वाले वाहनों को काला किया गया। इसमें एक ट्रांजिट बस भी शामिल है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।